हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आई एस। देखिए, आज 2 अक्टूबर है एंड गांधी जयंती के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है। तो सबसे पहले तो आपको इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही देखिए, हमारी हिस्ट्री के अंदर फ्रीडम फाइटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और इसको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, बट कई बार क्या होता है कि हम इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ ना शायद उतना फैमिलियर नहीं हो पाते। तो आज के लेक्चर में बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी हम समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी जी एज वेल एज लाल बहादुर शास्त्री जी की किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, किस तरह से उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को शेप किया, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे गांधी जी की। तो गांधी जी, आप जानते हो, उनका आइडिया था सेल्फ रिलायंस के ऊपर। देखो, आज के टाइम पे ना आप लोग सुनते हो आत्मनिर्भर भारत, ये कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है ये सेल्फ रिलायंस के लिए जनरेट हुआ। बिल्कुल, ये आइडिया दिया था गांधी जी ने। अब आप देखिए, गांधी जी का थिंकिंग थी कि एक इंसान की क्या होनी चाहिए, प्लेन लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वो चाहते थे कि इंडिया क्या बने, जहाँ पर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो अच्छी हो। अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के ना बहुत सारे मायने हो सकते हैं। कोई इंसान हो सकता है इसको कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जाए, पर गांधी जी का ऐसा नहीं था। गांधी जी विचारों की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि गांधी जी थोड़ा कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। और कैपिटलिज्म की देखो कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बुराइयाँ भी आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कंज्यूमरिज्म हो गया। और कंज्यूमरिज्म ही क्या है, एक तरह से जो हमारे वर्ल्ड के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हम सभी पढ़ते रहते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने, गांधी जी ने भी तो यही बात करी थी। बिल्कुल, किस चीज़ को हटाना ज़रूरी है, ये जो एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म हो रहा है। और इस कंज्यूमरिज्म की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन। आप जानते हो गांधी जी ने एक बात बोली थी कि देर इज़ एनफ फॉर एवरी मैंस नीड, बट देर इजेंट एनफ फॉर अ मैंस ग्रीड। ठीक है, तो ग्रीडीनेस जो आ चुकी है ना इंसान के अंदर, उसके अगेंस्ट गांधी जी की बात थी। तो इस ग्रीडीनेस ने ही क्या किया, कंज्यूमरिज्म को जन्म दिया, इन्वायरमेंट को, जो इतना सारा पोल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये इसी चीज़ के तो दर्शाती हैं। और गांधी जी का यही इकोनॉमिक थॉट था कि हमें एक तरह से सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ पर लोग अच्छे से काम कर पाए। इसके साथ ही साथ आप जानते हो गांधी जी ने आइडिया दिया ट्रस्टीशिप का। और वॉट इज ट्रस्टीशिप, इन्होंने बोला कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं उनकी जो भी वेल्थ है वो एज अ ट्रस्टीज होल्ड करते हैं पूरी वर्ल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिनके पास जो अमीर लोग हैं वो उस वेल्थ को गलत तरीके से यूज़ करें। जैसे आप एग्जांपल से समझो, आपने देखा है जैसे अजीम प्रेम जी के बारे में, ठीक है, विप्रो के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, साथ ही साथ नारायण मूर्ति जी। तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास कुछ CEOs, फाउंडर्स या बहुत बहुत बड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ को लोगों की लाइफ में एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने में मदद करी है। ये मीनिंगफुल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ट्रस्टशिप थ्योरी से ही तो निकल कर आता है, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म को नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है, यहाँ पर उनकी जो वेल्थ है वो एज अ ट्रस्टीज होल्ड कर रहे हैं। और इसके साथ ही, ट्रस्टीज के साथ ही गांधी जी ने ये भी आइडिया दिया कि हमारी जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें नॉन वायलेंस का रोल होना चाहिए, ठीक है, एथिकल मीन्स के थ्रू। ये जो पैसा कमाने का तरीका है, इट शुड बी एथिकल। हर इकोनॉमिक सेंस के अंदर ट्रुथफुल सेंस, इकोनॉमिक सेंस, इन बातों की गांधी जी ने बात करी। और अगर इसी चीज़ को हम फॉलो करें तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमारी एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसको भी रोका जा सकता है, राइट। उसके साथ ही गांधी जी का फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। आप जानते भी हो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए वो कहीं ना कहीं, जिससे 11th एंड 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना, वो क्या थे, वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ही तो फोकस थे। तो जो भी गांधी जी ने बात करी कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी विलेजेस हैं उनको एम्पावर किया जा पाए। इवन उन्होंने विलेज इकोनॉमी की भी बात करी। इसके साथ ही उनका फोकस था लेबर इंटेंसिव के ऊपर। आप जानते हो आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, राइट। आपने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े देखे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये है ना कि हम लेबर इंटेंसिव को शायद उतना प्रमोट नहीं कर पाए।
तो गांधी जी का अगर आइडिया हमने उसको यूज़ किया होता या और बेहतर ढंग से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते, लेबर इंटेंसिव की तरफ बात कर पाते, तो डेफिनेटली हम ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर पाते। ठीक है, इवन देखो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कई बार लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की बात करी हुई है, चाहे आप उसमें टेक्सटाइल्स को जोड़ लो, लेदर इंडस्ट्रीज को जोड़ लो, इस तरह की चीज़ें क्या हैं लेबर इंटेंसिव को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं एंड उससे पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे वीकर सेक्शन है उनको भी एम्पावर किया जाता है। गांधी जी का आइडिया क्या था? अंत्योदय तक पहुंचने का, ठीक है, आप जानते हो, सर्वोदय का आइडिया आप जानते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एक तरह से हमारे जो रूरल मासेस हैं, जो एक तरह से या फिर कह लो कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको एम्पावर करने में हेल्प करती हैं, ताकि जो चीज़ें बने वो उनकी नेसेसिटीज़ के हिसाब से बने, ऐसा ना हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो। देखो गांधी जी एक उनने सोशलिज्म का भी आइडिया दिया। बड़े सोशलिज्म को ना आप गांधीयन सोशलिज्म की टर्म्स में समझिए, ऐसा मत समझिए कि कहीं ना कहीं जो आइडिया कार्ल मार्क्स ने दिया जहाँ पर एक तरह की यूटोपियन सोसाइटी की बात करेगी, कम्युनिज्म की बात करेगी, ऐसा नहीं था। गांधी जी का आइडिया ज़रूर था, वहाँ पर वो क्या फोकस कर रहे थे, एक तरह की वेलफेयर स्टेट की बात करी है उन्होंने, ठीक है। ये जो कंज्यूमरिज्म के से दूर जाना और कहीं ना कहीं लोगों को एम्पावर करना, इसको आप मान सकते हो कि गांधी जी का जो सोशलिज्म का आइडिया था वो इस कॉन्टेक्स्ट से था, जहाँ पर पीपल आर वॉट फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसके साथ ही देखो गांधी जी का ऐसा भी मानना था थोड़ा, जो ना एक तरह से कह लो कि मास इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके थोड़ा वो अगेंस्ट थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे इससे वो थोड़ा नहीं मानते थे कि उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। सेल्फ सस्टेनेंस हो गया, इनके और कॉरस्पॉन्डिंग उनका ज़्यादा फोकस था। इवन देखो गांधी जी की लेगेसी सिर्फ उनके बाद ना बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करी है। इवन देखो जैसे कुछ हमें गांधीयन एक्टिविस्ट देखने को मिलते हैं, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण जी, राइट, इनके आइडियाज भी तो यही थे कि एक तरह से हम क्या करें, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करें, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोशन, ये क्या सारी चीज़ें हैं, ये गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियाज ही तो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को काफ़ी लंबे टाइम तक एक तरह से गाइड किया एंड उसके बेसिस पे काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने थे इंडिया के अंदर उसको रोका जा पाया, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस का आइडिया, स्टैंड ऑफ लिविंग, स्टैंड ऑफ लाइफ, सोचने का आइडिया, और कहीं ना कहीं जो हम आज बात करते हैं ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो हमें गांधी जी के आइडियाज़ में हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट सिर्फ फ्यू लोगों की हो, जो बोलते हैं ना कि एक तरह से कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, नहीं, ये गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और उन्होंने सबका एक तरह के सबके बेटरमेंट के लिए उन्होंने इस चीज़ की बात करी, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी में थे उसमें सत्य यानी कि ट्रुथ का रोल, ठीक है, अहिंसा नॉन वायलेंस का रोल, इवन अपार गृह का भी उन्होंने बात करी कि मतलब कि नॉन पोजेशन ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को करना, ठीक है, जहाँ पे हो क्या सकता है, जैसे मटेरियलिज्म जैसी चीज़ें एक्सेसिवली प्रमोट हो रही हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए गांधी ने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात करी, ठीक है। आज के टाइम पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो गांधी जी के आइडियाज़ से काफ़ी अलग हैं। जैसे आप जानते हो गांधी जी का थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया ना गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव था, पर फ्री मार्केट इकोनॉमी तो इससे काफ़ी अलग कुछ कॉन्टेक्स्ट में आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना। और जो गांधी जी का मास इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो थोड़ा अगेंस्ट थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट कह लो या फिर ऐसा कह लो कि थोड़ा कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट कर पा रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के साथ उनका थोड़ा डिसएग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। बट इवन देखो हमें डिसएग्रीमेंट भले ही देखने को मिलता है, बट इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि गांधी जी का जो आइडिया ह्यूमन डेवलपमेंट का था, जहां पर बात थी पॉवर्टी एरेडिकेशन की, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को हटाने की, और जो बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करने की, इस पर्टिकुलर आइडियाज़ ने इंडिया को बहुत लंबे टाइम तक गाइड करते आया है और आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी गाइड करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गांधी जी के कुछ आइडियाज़, स्वदेशी वगैरह भी आप इनफैक्ट ना इसमें जोड़ सकते हो, जो स्वदेशी की उन्होंने बात करी थी, तो इस तरह बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो गांधी जी का आइडिया डेफिनेटली बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ। देखो ये पर्टिकुलर लाल बहादुर शास्त्री जी की कोट है कि द इकोनॉमिक इश्यूज़ आर मोस्ट वाइटल फॉर अस एंड इट इज़ ऑफ द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस दैट वी शुड फाइट अवर बिगेस्ट एनिमीज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो काफ़ी देखो आप इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग इनके काफ़ी अच्छे विचार थे, राइट। इवन देखो जैसे आप जानते हो सभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान
जय किसान का नारा दिया। तो इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो। हमने देखो ग्रीन रेवोल्यूशन देखी, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स देखी, ठीक है, कुछ हद तक उनका रिलेशन आप यहाँ तक भी इनके साथ भी रिलेट कर सकते हो, जहाँ 1965 के राउंड हमने डिफरेंट ड्रॉट्स को विटनेस किया, एक तरह की फूड शॉर्टेज थी, वहाँ पर गांधी जी ने आइडिया दिया किसका, शास्त्री व्रत का आप आइडिया उस तरह से हम इसको जानते हैं, जहाँ पर इन्होंने क्या किया, मासिस को अपील करी कि एक दिन मतलब अगर हमारे पास खाने की कमी है ना, तो पूरा देश मिलकर साथ में उस चीज़ को हटाने में कामयाब हो, तो शास्त्री व्रत के नाम से उसको जाना जाता है। तो लीडरशिप के साथ साथ उनकी इकोनॉमी पॉलिसी को भी दिखाता है। सेल्फ सफिशिएंसी की भी बात ही तो है यहाँ पर, आप जानते हो हमें जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी आप जानते हो पब्लिक लॉ 480 जैसे चीज़ों के अंदर हमें यूएस से वीट वगैरह को इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी तो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ही बात कर रहे थे। उन्होंने देखो बात करी कि हम बात मानते हैं एक ऐसे डेवलपमेंट के अंदर जो दुनिया में पीस को प्रमोट करे। तो देख रहे हो डेवलपमेंट का कितना होलिस्टिक मीनिंग है। काफ़ी बार हम सोचते हैं ना कि जैसे यूपीएससी ने भी कुछ साल पहले पूछा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या फ़र्क है, तो डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव काफ़ी ब्रॉडन आज के टाइम पे ही नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के आइडियाज़ में, गांधी जी के आइडियाज़ में भी हमें देखने को मिलता है। इवन देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया, उसके बाद हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी थे इससे पहले, आई मीन 1999 के राउंड, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने जय विज्ञान इसमें जोड़ा। फिर आज के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान इसमें जोड़ दिया है। तो वहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ था, किस तरह से आप देख रहे हो कैसे डेवलप हो रहा है। और ये जो मैं पर्टिकुलर कोट की बात कर रहा था, इन्होंने ये कोट दी, इसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर ये कह लो या इससे थोड़ा इंस्पायर्ड कोट ही कह सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यूज़ करी कि किस तरह से हमें हमें जो हमारे पैसा है या एक तरह से कह लो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आपस में लड़ाई करने में नहीं यूज़ करने, हमें यूज़ करने हैं लड़ाई करने में। अगर हमें लड़ाई करनी है ना, तो हमें लड़ाई करनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हमें लड़ाई करनी चाहिए पॉवर्टी के ऊपर, हमें लड़ाई करनी चाहिए ये एजुकेशन हेल्थ स्किल्स लोगों को ये प्रोवाइड करने के अंदर, ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है, आपस में लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर मान सकते हो। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आइडिया ना थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव था इनका, ठीक है। नेहरू जी का भी देखो आप जानते हो झुकाव था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भी थोड़ा उसी आइडिया के साथ थोड़ा अग्री करते थे, ये फोकस से थोड़ा सेंट्रल प्लानिंग की तरफ। इसके साथ ही साथ देखो उस टाइम पे आपने और भी काफ़ी सारी रेवोल्यूशंस देखने को मिली हैं, यूपीएससी ने भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने सुन रखा है अमूल के बारे में, आपने सुन रखा है वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। तो एक तरह की रेवोल्यूशन जहां पर क्या हो, मिल्क की जो प्रोडक्शन है, मिल्क की जो सप्लाई है, उसको प्रमोट किया जा पाए, उसको बढ़ाया जा पाए, उसके लिए उन्होंने अमूल जो कि मिल्क कोऑपरेटिव थी उसको बनाया गया आनंद गुजरात के अंदर। इसके साथ ही साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इसकी स्थापना करी गई। आप जानते हो वर्गीस कुरियन जी का आइडिया, ठीक, किस तरह से इन्होंने मिलकर आपस में इस चीज़ को प्रमोट करा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में लाल बहादुर शास्त्री जी की जो इकोनॉमिक नीतियाँ थी उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। इसके साथ ही साथ आज के टाइम पे या इवन COVID-19 के टाइम पे आप जानते हो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस पर्टिकुलर FCI को सेटअप किया गया था FCI Act 1964 के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोर्ड उनको भी सेटअप किया गया। तो आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो कि किस तरह से इनकी इकोनॉमिक नीतियों ने पूरे देश को इम्पैक्ट किया, ठीक है ना, पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिव है। इन पर्टिकुलर दोनों पर्सनैलिटीज की बात करें, इवन देखो यही बात है कि इकोनॉमी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, बहुत सारी होलिस्टिक चीज़ों को टच करता है। देखो इकोनॉमी का मीनिंग ही एक्चुअल में यही है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ चॉइसेस, ये हमारी जिंदगी की स्टडी है। और इन पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनकी इकोनॉमिक नीतियों ने हमारे सोशल पॉलिटिकल हर पर्टिकुलर एंगल पे, हमारे कंट्री की पर्टिकुलर हिस्ट्री के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट छोड़ा, ठीक है। तो ये थे इन पर्टिकुलर दो पर्सनैलिटीज़ की इकोनॉमिक नीतियाँ जिन्होंने एक बहुत ही लेगेसी क्रिएट करी, और आज के टाइम पे भी आप हम देख सकते हैं काफ़ी सारे मायनों के अंदर इनकी बहुत रेलिवेंस है, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, एक तो पहले इन सभी से इंस्पिरेशन लेनी है, ठीक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी किस तरह से पॉलिसीज विजनरी थी, लॉन्ग टर्म के लिए थी, राइट। उसके साथ ही साथ जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि इंटरडिसिप्लिनरी पढ़े। जैसे हम इसको कई बार होता क्या है कि सिर्फ हिस्ट्री हिस्टोरिकल एंगल देखते हैं,
बट नहीं, इनका इम्पैक्ट पॉलिटिकल भी था, इनका इम्पैक्ट इकोनॉमिकल भी था, इकोनॉमिक साइड पे भी था। तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़िए। जब भी कोई एक चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे जय जवान जय किसान का हमें क्वेश्चन देखने को मिला था पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के साथ, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ना, जब आप इनको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल मैनर में हैंडल करते हो, तो डेफिनेटली चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, आपके उसके अच्छे मार्क्स के साथ उसको करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब भी हम देखो हमारी टीम की तरफ से जो अलग अलग कोर्सेज रन किए जाते हैं, उनमें भी ये इंश्योर किया जाता है किसी तरह से आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी जाए, जहाँ पर आप मल्टी डायमेंशनल मैनर के अंदर